सो अस्सलाम वालेकुम टू एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब मस्त होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत मस्त हूँ, मज़े में हूँ। तो गाइज, और मैं सहरी के टाइम व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो गाइज़ क्या बताऊँ मैं, आपने मेरा पहला व्लॉग तो देखा ही होगा, तो कुछ ज़्यादा मैंने दिखाया नहीं, दिखाना भी नहीं चाहती, बस ऐसे ही बातें आपसे की मैंने थोड़ी बहुत। तो गाइस अभी हम सहरी खा रहे हैं फ़िलहाल, तो पहले हमने तहज्जुद पढ़ लिया, देन उसके बाद बत्तू खा लिया, चाय पी रहे हैं, सहरी कर रहे हैं। तो देखो चाय पिए जा रहे हैं, मेरे साथ है यहाँ पे कैटी, तो ये भी बैठी हुई है। तो गाइस प्यार बरसाएं, बहुत ज़्यादा प्यार बरसाएं। आजकल रमजान में हिम्मत भी नहीं होती है, तो फिर भी मैं व्लॉग शूट करती हूँ। और गाइस आपके लिए आज एक सरप्राइज़ है मेरे व्लॉग में, तो इस व्लॉग को मिस ना करें, स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें, फिर आपको सब सरप्राइज़ मिल जाएगा जो मैं देना चाहती हूँ आप सबको। तो गाइस स्टे ट्यून रहें, ऐसे ही बने रहें, तब तक वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे आगे गाइस। अब मैं डायरेक्ट उस टाइम वीडियो, ये इस टाइम वीडियो गाइस अब मैं डायरेक्ट व्लॉग उस टाइम शूट करूंगी जब ये सहरी का टाइम ख़त्म हो जाएगा, देन जब हम नमाज पढ़ के सो जाएंगे, और जब उठेंगे उस टाइम अब मैं व्लॉग शूट करूंगी, क्योंकि मुझ में ज़रा भी हिम्मत भी नहीं है। मैं व्लॉग बनाना नहीं चाहती थी, मैं सोचा अब मैं बना लूं। तो गाइस मैं एक बात बता दूं, मैं डेली व्लॉग नहीं बनाऊँगी, क्योंकि क्या ही बताऊँ, मैं बातें ही सिर्फ करती रहती हूँ, बातें ही सिर्फ करती रहती हूँ, और माह रमज़ान में मैं आपको दिखाऊँ भी क्या, खाने पीने की चीज़ मैं दिखा नहीं सकती। तो इसलिए मैंने सोचा मैं डेली व्लॉग नहीं बनाऊँगी, तो कभी कभी बनाऊँगी। आप सभी प्यार बरसाया करें और बहुत सारे कमेंट्स किया करें, मैं सबकी कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। तो स्टे ट्यून रहे सरप्राइज़ के लिए, ठीक है ना, मिलते हैं बाद में। तो गाइस सुबह हो गई है, मैं उठ चुकी हूँ और मैं बैठ गई हूँ किचन में। मैंने अभी जस्ट मुंह धोया और थोड़ा फ्रेश हो गई हूँ। बाहर देख रही थी, बाहर ना मौसम कुछ अजीब जैसा है, कुछ मन नहीं कर रहा बाहर जाने का, मौसम अजीब है, तो बैठूँगी थोड़ा बाहर ही, उसके बाद मिलते हैं आपसे। बाहर ना मौसम कुछ ख़ास नहीं है, मैं थोड़ा बाहर आई थी, बैठी थी, तो यहाँ पे मौसम कुछ ख़ास नहीं है। उफ़ गाइस मेरी आंखों में कुछ स्वेलिंग जैसी लग रही है, तो और यहाँ पे पिजन्स हैं, चिड़ियाँ हैं, चिड़ियाओं की चें चें हैं, कवे हैं, और मेरी मम्मा ने ना कपड़े धोए हैं, ईद की तैयारी, कम्बल वम्बल धोए हैं, देखो बाकी उधर उधर से हैं कम्बल धो के। तो गाइज अब हो गई है जहर की अज़ान, तो अब मैं नमाज़ पढ़ूंगी, तो नमाज के बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है ना। तो गाइज नमाज तो मैंने पढ़ ली थी, अभी मैं आई हूँ थोड़ा घर के बाहर, अपने ही इधर बगल में बाग में, जैसे कि आप देख रहे हैं बाग में आई हूँ मैं। तो गाइज मैंने आपको बताया था कि आपके लिए कुछ सरप्राइज़ है, तो क्या मैं आपको सरप्राइज़ दिखाऊं? आप एक्साइटेड हैं देखने के लिए क्या सरप्राइज़ बोला था मैंने? तो दिखाई देती हूँ सरप्राइज़, क्यों रखना है इतना सस्पेंस, फाइनली आप इस सरप्राइज़ को ओपन कर ही देते हैं। आ जाओ, ओए ओ इधर इधर गाइस, जो सरप्राइज़ है वो आ रहा है इधर आ ज़रा। मुझ पे भी जश, तो गाइस ये है वो सरप्राइज़, क्या जानते हैं आप इसको? कौन जानता है इसको? तो मुझे वालेकुम गाइस, तो कैसे, आई होप कि आप सारे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे सारे,
नीचे बैठ सर्वे रोज तो 10 सस्पेंड मैच लेके चक्कर ही ऑन गोनी है क्या सरप्राइज तो गाइस अगर आप इसको सुन गाइस अगर आप इनको जानते हैं तो आप कमेंट्स में बताइए कि ये कौन है। तो सरप्राइज यही था कि आज मेरा भाई जम्मू से आ गया है घर फाइनली रमजान के लिए। तो मैंने इनको बताया था, अपने व्यूवर्स को बताया था कि अपनी ऑडियंस को बताया था कि आज सरप्राइज दूंगी, तो तेरा सरप्राइज देना था तो जो मैंने दे दिया। गाइस कैसा लगा मेरा सरप्राइज? आई होप आपको अच्छा ही लगा होगा, है ना, किसी रीजन से जो तू बोलती। तो अब मेरे रमजान के रोजे भाई के साथ आएंगे, आप इंजॉय करेंगे। और तू बताना चाहते है मेरे व्यूवर्स को कुछ? फिलहाल तो अभी मैं बहुत हेक्टिक हो रहा है, हेडेक हो रही है, क्या बोलूं, क्योंकि देख सकते हो आप आईज मेरी खुल नहीं रही है। अब होप कि कल से हम अच्छे से व्लॉगिंग करें और फ्रेश। सो अभी हम आए थे बाहर में थोड़ा रिफ्रेश करने माइंड, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चलती है, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे, तो इसीलिए मैं आया था। और धूप भी बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और अभी हो रहा है नमाज का टाइम, तो हम जाते हैं अब नमाज पढ़ने। आप रहे स्टे ट्यून, तो देखते हैं फिर क्या करते हैं। लगता तो नहीं है गाइस, अभी अभी है असर की नमाज, तो असर की नमाज ना जल्दी कज़ा हो जाती है, तो अजान अभी जस्ट हो गई है, तो बस हम नमाज पढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे फिर नमाज के बाद। तब तक आप स्टे ट्यून रहे, बने रहें, ऐसे ही प्यार बरसाते रहें और कमेंट्स करते रहें, मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। ओके तो गाइज हमने की है नमाज ख़त्म, तो अभी टाइम 6 बज रहे हैं 6 PM। तो गाइज इफ्तारी की तैयारियां लगभग हो चुकी हैं, तकरीबन सभी तैयारियां हो गई हैं, बस शरबत बाकी है। तो गाइस वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं आपको कुछ दिखाऊंगी नहीं, कुछ शो नहीं करूंगी, डैट्स वाई। तो मिलते हैं आपसे आगे, करते हैं इफ्तारी का वेट थोड़ा बहुत। तो अभी ना मैं बैठी हूँ रूम हीटर के पास, इतनी ज़्यादा ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, पूछो नहीं। तो गाइस क्या करना है आपने, तब तक आप लाइक करें वीडियो को, और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे आगे, ओके ना। सो गाइस इफ्तारी टाइम अब नज़दीकी पहुंच गई है। गरम की सब्जी किसने बनाई? मॉम ने। तो और ये प्रिंस ना कभी एक में ताका जाकी कर रहा है, कभी कुछ में ताका जाकी कर रहा है। अभी 5 मिनट है इफ्तारी को और हम कर रहे हैं वेट। अब ड्रॉइंग हम दस्तरखान ब्ला ब्ला जो भी है, फिलहाल पहले तो करेंगे दुआ, दुआ मांगेंगे, क्योंकि कहते हैं इफ्तारी से पहले पहले। सो गाइस आफ्टर लॉन्ग टाइम आज मैं घर में इफ्तारी करूँगा। तो गाइस आरजू तो दुआ कर रही है, तो मैं भी दुआ करता हूँ, मिलते हैं आपको इफ्तारी के बाद। तो इस टाइम गलत बात है, ऐसा नहीं दिखाना होता है, तो पर फिर भी मिलते हैं आपको इफ्तारी के बाद। तो गाइज अब करती हूँ मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आपको ये मेरा मिनी सा व्लॉग अच्छा लगा होगा किसी रीज़न से। तो क्या करना है आपको, लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो और गाइज मैं एक बात बता दूँ, मैं डेली व्लॉग नहीं करूँगी, मैं कभी कभी व्लॉग करूँगी क्योंकि हिम्मत नहीं होती है, ब्ला ब्ला। आज तो मुझे बहुत एनर्जी है, बहुत हिम्मत है। तो ये देखो यार प्रिंस बड़ी सोच में डूबा हुआ है। तो गाइज करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड, बस प्यार बरसाइए और सभी कमेंट्स करें, मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई भी करूंगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी, बाय बाय, टाटा।